Hi there guys, my name is Narendraj and recently in the past few days, I mean I would say not month, few days, I've rapidly grown my Instagram follower from 5,000 to 10,000 and then 13,000 obviously. So मुझे पता है कि बहुत लोगों के मन में ये सवाल होगा कि you know how this happened, you know how are you growing so fast? And this video is basically about to answer all those points क्योंकि हमें जैसा मुझे लगता है कि सोशल मीडिया बहुत डाइवर्ट करता है इन लोगों को, लोग समझ नहीं पा रहे हैं उनकी कैपेबिलिटी और वो मतलब ग्लैमरस दुनिया में बहुत अब चले जाते हैं ना. तो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट क्लियरिंग ऑल द डाउट्स एंड क्वेश्चन यू आर आस्किंग ऑन माय डीएम्स और मैसेज रिक्वेस्ट एंड आई डोंट नो एंड मोस्ट ऑफ देम आर नॉट इवन आस्किंग बट इट्स नॉट दैट आई एम शोइंग ऑफ सो प्लीज नोट दैट एंड इट्स जस्ट अबाउट टू ब्रिंग सम क्लैरिफिकेशन यू नो that what is genuinely important in your life, you know, how can you master your work, how you can develop yourself and simultaneously how you can grow your Instagram. So yaar kahani start hoti hai 2014 se, jab mere paas kuch nahi tha camera ke naam pe, mere paas phone tha obviously, but I had developed an interest in photography and when I went to Patna in 2015 to my Instagram account banaya and you know, started posting pictures and I had a phone and I used to click and post on Instagram. उस time 10-20 लोग like करते थे तो बहुत खुशी होती थी क्योंकि वही था हमारे लिए जो भी था, sunset की photo खींच लो, Snapseed पे dramatic edit करो. But the point is पहले मैं थोड़ा सा तुम्हें highlight देता हूँ जो देख के तुम ये पूरा video देखोगे. So मेरे 17 जून को मेरे 5,000 follower हुए हैं, 19 अगस्त को 6,000, then 5 सितंबर को 7,000, 15 सितंबर को 8,000, फिर 6 दिन बाद 9,000, मतलब 21 सितंबर, 23 सितंबर को 10K और 30 सितंबर आज और 13K, मतलब विद इन अ पीरियड ऑफ नॉट इवन अ मंथ आई ग्रीव फ्रॉम आई डबल्ड माय फॉलोवर एक्चुअली अमाउंट, मतलब 6,000 से 14,000 के क्लोज नहीं हो भाई, 13 कुछ है. सो बेसिकली दैट्स द रफ थिंग, मतलब यू कैन जज कि दिस इज ग्रोइंग फास्टली. अब जो लोग मुझे फॉलो करते हैं तुम्हें पता है कि मेरा रील्स अच्छा काम कर रहा है, पीपल आर रिस्पॉन्डिंग, आई एम गेटिंग गुड व्यूज एंड इंस्टाग्राम रिसेंटली लॉन्च किया रील्स एंड यू नो आई डिड वेल देयर एंड दैट्स व्हाई माय फॉलोअर्स हैव यू नो ग्रोन. सो दैट्स नॉट द होल स्टोरी. ये वीडियो बनाने का ये मोटिव नहीं है कि मैं बता दूं जो तुम्हें ऑलरेडी पता है, बट टू ब्रिंग लाइट ऑन द थिंग्स विच यू आर नॉट नोटिसिंग एंड मे बी आई थिंक कि सम वे यंगस्टर है, मतलब मैं भी बहुत यंग हूँ, आई ऑलवेज से दैट आई एम अ लर्नर, बट स्टिल देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर यंगर देन मी एंड हु आर यू नो गेटिंग इनटू दिस फील्ड एंड दे आर ट्राइंग बिकॉज तुम्हें डेली एज अ क्रिएटर आई थिंक जो पीपल जिनके 10,000 से ज़्यादा फॉलोअर उनको तो हर दिन 20 मैसेज आते होंगे या जो भी है कि बहुत लोग कि भैया मुझे सपोर्ट करो, मैं 14 साल का हूँ, मुझे ये पैशन है एंड आई रियली अप्रिशिएट गाइज एंड वी आर देयर विद यू एंड यू नो ऑल द बेस्ट एंड कैरिंग ऑन. So I started my journey from 2015 and started posting pictures on Instagram and you know, just a budding photographer and was passionate definitely. So I saved some money from the pocket money which I used to get from home and I did not use to invest on you know, pizza and chicken chili or whatever you call it. So I used to save, cut some money and finally, ek saal ke saving ke baad, I was able to buy a second hand camera from OLX, Sony ka Coolpix karke. And that's how I started, you know, camera aaya, so you know, usme 30x zoom tha, so I used to click silhouette photos of my brother, younger brother at my home and all. So that's how it was going, I was enjoying the process and as I entered IIT Guwahati in 2017, so I was little, you know, grown up, I was in college. So as I got into IIT, I met abundance of people, you know, who are really passionate about your life. Wo chahte hai ki unki zindagi mein kuch achha kare, kuch nahi hai. मतलब तुम्हें पता है ना टिपिकल आइडियाज इंजीनियर्स बेसिकली या जो भी ह्यूमन बींग जो भी कॉलेज में आता है, इट्स नॉट अबाउट द डिग्री और द प्रोफेसर कि बहुत बड़ा कॉलेज है, बहुत अच्छे प्रोफेसर, आई डोंट थिंक सो. इट्स द एनवायरमेंट विच हेल्प्स यू टू यू नो बिल्ड योर मेंटेलिटी दैट इज वेरी ग्रोइंग मच्योर एंड यू नो इट्स बिल्डिंग टू अ वेरी गुड करियर. सो दैट एनवायरमेंट यू नो पुश्ड मी अ लिटिल मोर टुवर्ड फोटोग्राफी. मुझे कॉलेज में अच्छा सपोर्ट मिला, मैं हर इवेंट पे जाके शूट कर रहा था पैशनेटली, ये नहीं कि सीनियर्स बोल रहा है एंड ऑल, बट आई वॉन्टेड टू डू दैट, यू नो आई वॉन्टेड टू गो आउट एंड शूट एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड डेवलपिंग मोर इन फोटोग्राफी. तो मेरे उस टाइम जब मैं कॉलेज गया था, आई थिंक 400 फॉलोअर्स थे इन 2017 एंड विद इन द पीरियड ऑफ अ ईयर, आई थिंक जब मैं सेकेंड ईयर में जा रहा था तो मेरे फॉलोअर्स 1,000 क्रॉस किए और वो बहुत बड़ा बेंचमार्क था उस टाइम पे, क्योंकि सबके फॉलोअर्स बहुत कम थे, रिसेंटली सब इंस्टाग्राम पे आए थे तो इट वॉज वेरी बिग डील है ना, 1,000 फॉलोअर्स बहुत बचाया ब्रो, बहुत बढ़िया.
So I was really happy, and you know, I continued working. And from second year, I started freelancing. I started shooting in Guwahati city, जहाँ पे मुझे कोई भी बंदा जानता नहीं था. No one knew me because I was not from the city and I was not even the part of any local colleges. तो मेरे local friends भी नहीं थे. But started connecting with the people, you know, because I have, it's been there in my blood that I like to socialize. I like to meet new people, and that's how it all began. I started coming to city. I started approaching few bloggers ki मुझे काम दीजिए. I'm passionate about it. I'm an IIT and I want to pursue my dream in photography. So I would name Swagata Dev, Periparam. Thanks a lot if you're watching the video. So I did some collabs with them and got exposure of city ki kitne log hain industry mein, kaisa kaam hai. So I was in a growing state, and now still I'm growing, learning. लर्निंग कर तो हमेशा रहती है बॉस. कभी ऐसा होता ही नहीं क्रिएटिव फील्ड में कि आपको बहुत आता है. अगर आपको लग रहा है कि आपको सब कुछ आता तो यू आर नॉट लर्निंग. सो यू आर कमिंग टू दैट. ये चलता रहा एंड आई वाज ग्रोइंग माय इंस्टाग्राम बिकॉज़ आई वाज मीटिंग फ्यू पीपल. तो मैं इंगेजमेंट नहीं कर रहा था. वंस इन 2017 एक महीना मुझे कोई बंदा मिला जो मुझे डाइवर्ट किया कि ब्रो तू कमेंट कर, तू लाइक कर हर फोटो पे, हैशटैग पे जाके कमेंट कर, तेरे फॉलोअर्स बढ़ेंगे. बढ़े, एक्चुअली बढ़े. 100 बढ़े रहते हैं, फिर 50 चले जा रहे थे. फिर मुझे लगा नहीं यार इसमें नहीं पढ़ना, मुझे क्या कर रहे हो. तो आई हैव बिन देयर लाइक फॉर अ पीरियड ऑफ मंथ एंड स्टेप्ड आउट कि नहीं यार दिस इज नॉट व्हाट आई लाइक. आई मीन मुझे नहीं चाहिए कि कमेंट करो फिर फॉलो करें. सो लाइक नहीं नहीं करना मुझे यार. तो अगर आप अभी भी करते हैं ये तो आई नो देयर इज अ फेस, इट्स नथिंग टू फील बैड अबाउट इट. यू नो वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी जहाँ पे हमें मतलब जो लोग बोलते हैं हमें लगता है कि हाँ ठीक है, उनका भी बड़ा नाम भी करते हैं. वी गेट मैनिपुलेटेड, दैट्स हाउ ह्यूमन बींग्स आर, यू नो इट्स ईजी टू मैनिपुलेट ह्यूमन. So I was there also in that phase, but I was like ठीक है छोड़ो यार नहीं करते हैं, अपना काम पे फोकस करते हैं. Started approaching brands, production house, and started working, you know, freelance work मेरा चालू हो गया second year से properly. I started making money and you know started making my own life through my money. I started earning थोड़ा बहुत, क्योंकि खर्च भी कम है ना. हॉस्टल में रहते थे, बैंक से लोन है, कॉलेज का फीस वो बढ़ रहा है, अपना पॉकेट मनी तो कमा ही ले रहे थे. सो दैट्स हाउ इट ऑल बिगन एंड आई वाज कंटिन्यूइंग. तो हम मस्त काम कर रहे हैं ऐसे लगे हुए. सो मैं आया थर्ड ईयर में. And the date is 4th of October in 2019, just pichle saal. And I hit 4,000 followers on my Instagram. So that was also a big deal. Ki chalo 400 se 4,000 ka safar, you know, third year mein. So that was really happy moment of my life. I was doing well. Fir main ye May tak, I think, ye lockdown 2020 mein ghar aaya. So I was around 4,000 followers. Then I posted a series of IIT Guwahati. Aur obviously lockdown ke chalte sab campus ko bahut miss kar rahe the. So that got, I mean, more than 2,000 shares, the entire post which I posted about IIT. तो जितने लोग IIT में मुझे जानते हैं मैक्सिमम लोग, जो लोग नहीं जानते थे वो भी जाने और मुझे फॉलो किए. एंड दैट बूस्टेड माई प्रोफाइल टू रीच 5,000 फ्रॉम यू नो बींग स्टक अराउंड 4,000. तो 17 जून को मैं कंप्लीट किया 5,000, यू नो, एंड आई एम एट माई होम प्रॉपर झाझा में ऐसे लॉकडाउन चल रहा है. एंड आई वॉज क्रिएटिंग कंटेंट. तो मेरा मोटिव ये था कि रुकना नहीं है. मतलब फॉलोअर्स आपके बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं उसके चक्कर में आप अपना कंटेंट मत रोको. बिकॉज और इस टाइम में कुछ मैं बस 2017 में एक महीने के लिए वो एंगेजमेंट वाला पंगा में फंसा था. अदर देन दैट आई नेवर यू नो गॉट इन्फ्लुएंस अबाउट दैट. आई वाज नॉट फोकस्ड ऑन कमेंटिंग ऑन पोस्ट और रिप्लाइंग टू यू नो टन्स ऑफ पीपल ऑन कमेंट्स या रैंडम, वो कर ही नहीं रहा था. आई वॉज शेपिंग माई स्किल. अभी आज के टाइम पे मैं एक बैच कंप्लीट कर चुका हूँ, एडिटिंग बैच लाइटरूम में सिखाया हूँ 20 बच्चों को. मैंने अच्छा अमाउंट भी कमाया है. सो दिस इज द यू नो phase I see. I don't know the entire Lightroom, but I have developed myself till that phase that I can teach who are, you know, getting into this editing field. So things are going smooth. I have always been productive and I like to be productive. I like to do things, you know, all the time. I don't want to be sitting free and doing nothing. So that's how my blood runs. It's an inbuilt thing. So on 17 June, I hit 5K. And उस time भी reels आ चुका था, I think, उसके बाद. And I was posting reels, but it was not working. तो बीच में आई वाज लाइक कि हम पोर्ट्रेट फोटोग्राफर हैं, हम मुंबई बेस्ड, दिल्ली बेस्ड, हिमाचल बेस्ड नहीं है. मतलब इनको तुम्हें एग्री करना होगा कि थोड़ा सा मतलब मिलता है बेनिफिट बिकॉज दे आर इन सच लोकेलिटी जहाँ के फोटोज बहुत फीचर होते हैं. एंड ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन भी होता है, यू गाइज आर नेलिंग इट, बट देयर इज यू नो एंड मतलब मैं गुवाहाटी की फोटो डाल रहा हूँ तो गुवाहाटी वाले पेज फीचर करते हैं, बट इट्स नॉट गेटिंग फीचर्ड मच मोर एज कॉमनली एज दिल्ली मुंबई के फोटो. सो आई वाज लाइक ठीक है, अभी आई aim to expand my audience so that you know I am a positive person. I like to spread good messages around, you know, and that's what my major goal was, to connect with millions of people and you know interact with them, see how their life is and learn something from them, and maybe if I can give something to them. So it's like that. So I started posting reels also ki
हम ह्यूमन से हमें अडेप्ट करना होगा जो भी चीज़ें हमारे अराउंड हो रही है. सो दैट्स हाउ ह्यूमन्स आर ट्रेंड एंड दैट्स हाउ इट शुड बी अराउंड. यू शुड अडेप्ट टू द थिंग्स हैपनिंग अराउंड. सो मैं रील्स आया तो ठीक है, अब बहुत लोग ट्रॉल कर रहे थे इसको, तो दैट वॉज बैड थिंग. अभी तुम ट्रॉल क्यों कर रहे हो? हम ह्यूमन्स का प्रॉब्लम क्या है ना, हम कंप्लेन करते हैं, हम ट्रॉल करते हैं. पता हमारा फोकस एज ए फोटोग्राफर, तुम्हें तो पता है ना फोकस पॉइंट क्या होती है. तो तुम फोकस करो ना जो ब्राइटर साइड है, जो पॉजिटिव साइड है. तो अगर तुम पॉजिटिव साइड ये है, अगर इस पर फोकस करोगे तो ये बैकग्राउंड गो गेट्स ब्लर, राइट? सो ऑलवेज फोकस ऑन द राइट पॉइंट. सो आई वॉज लाइक ठीक है, आई वॉज नॉट यू नो ट्रोलिंग और एनीथिंग. आई स्टार्टेड पुटिंग अप रील्स एंड अलोंग साइड आई वॉज वर्किंग ऑन द फीड. आई वॉज कंसिस्टेंट, आई हैव पोस्टेड मोर देन 700 पोस्ट, जिसमें से तुम्हें नहीं पता है 600 पोस्ट आर्काइव्ड है. आई हैव पोस्टेड मोर देन 1300 पिक्चर्स ऑन माई हैंडल एंड 600 में आर्काइव कर दी, बिकॉज आई डोंट थिंक मतलब कि उसको रहना चाहिए फीड पे. आई हैव माई पर्सनल हैंडल at Naren Travelgram. I have posted more than 600 or 500 photos there also, and those are also quality work. Okay, so I have been consistent in my social media very much, because I like, you know, that's how I connect with tons of people. And jo tum log mujhe connect kiye ho, we are now brothers from social media. I'm staying in a guy's place whom I connected through social media. So Instagram had given me opportunity to meet, you know, ample of people who are really good at working, dedicated and inspiring. So I'm really glad to do that, and I really want to do that. So beech mein it was not really working, you know. And tumhe matlab log bolte hain hame followers se fark nahi padta, hame numbers se fark nahi padta, but deep down hum jante hain ki fark padta hai. I mean it's increasing, it's doing well, so you feel happy, that is there, right? So I was not taking a break because of followers, but I wanted ki thoda sa time dete khud ko. I started a series called Cinematic Tales. I made a voiceover of 4 videos. I posted throughout the week, throughout the month in July. So uske baad main break liya. I was not posting on Instagram. I took a break of 2 weeks, and I was, you know, just data study kar raha tha. What is going on in my life? I'm gonna sit on placement or not? College mein campus selection hone wala hai. Main usme jaunga ki nahi? क्या चीज़ें चल रही थी? बहुत चीज़ें चल रही थी दिमाग में. आई वाज यू नो फिगरिंग आउट, था लाइक ठीक है पोस्ट नहीं करते, थोड़ा सा स्टोरीज डालो, कनेक्टेड रहो ऑडियंस है, बट इट्स ओके टू नॉट पोस्ट. आई मीन ये प्रेशर तो कभी मत लो दैट यू हैव टू पोस्ट डायरेक्टली, यू नो हमेशा पिक्चर्स पोस्ट करना है, कंसिस्टेंट फीड मेंटेन करना है, कलर्स मेंटेन करना है. नहीं नहीं करना, इट्स योर फीड, इट्स योर चॉइस, सो डोंट वरी अबाउट दैट. सो आई टुक अ ब्रेक एंड देन आई केम विद अ ट्यूटोरियल ऑन हाउ टू शेयर स्टोरीज ऑन इंस्टाग्राम, एंड दैट वीडियो गॉट मोर देन 10,000 व्यूज on my reels. So I was like, sahi hai, this is good. So then I posted another tutorial about Lightroom reels there, and it also got decent amount of view. Okay, so I think my 5th, 6th such reels, matlab main reels bahut dal chuka tha, 15-20 reels, but wo chal nahi rahe the, but still I was liking, you know, people were still appreciating, but it was not trending or something like that. So I started posting Lightroom tutorials. पसीना आ रहा ना, क्योंकि पंखा चलेगा तो मैं नॉइज आएगा, डिस्टर्बेंस होगा ना, तो देखो ये मेहनत का पसीना है. एनीवे यू आर, सो आई स्टार्टेड पोस्टिंग लाइटरूम ट्यूटोरियल्स एंड वन ऑफ द वीडियो ऑरेंज टील इफेक्ट, इट गॉट लाइक 40,000 प्लस व्यू, एंड आई गेन क्विक अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स, और बहुत जल्दी मेरे 6,000 हो गए. एंड उसके बाद आई स्टार्टेड पोस्टिंग, क्योंकि मुझे आई वॉज एंजॉइंग द प्रोसेस. तो हमारे लाइफ में पता मेन इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा स्केड्यूल होना चाहिए. तो मैं घर पे था, तो आई टू वेक अप अर्ली, I was sleeping right on time. I used to wake up early. I used to go out, walk, or you know. Acha, it is always good to, you know, wake up early. You have more amount of time in your hand, and you know you can make your day really productive. So I started doing that. So I din mein utke brainstorming karta tha ki what I want to create today, what I want to shoot, and I come up with some idea about reels or post, and I used to decide that and write it down. And dopahar mein I used to edit and do the voiceover, and I fix the timing at the evening 6. I used to post that. सो घर पे क्या होता है ना, लाइफ टाइम टेबल से नहीं चल रही है, दैट इज वेरी डिस्टर्बिंग थिंग. सो बट आई फिक्स माई टाइम टेबल कि दोपहर में वॉइस ओवर करना है, शाम में पोस्ट करना है, उससे पहले मैं खेलने जाता हूँ, दिन में एक्सरसाइज करना है, कार ड्राइव करना सीखना है, ये करना है, होमवर्क करना है, कभी असाइनमेंट करना है. तो चीज़ें फिक्स होती है ना, तो तुम्हारी लाइफ थोड़ा स्टेबल दिखती है. नो यू हैव आइडिया कि थ्रू आउट द डे क्या होने वाला है. सो आई स्टार्टेड डूइंग दैट कंसिस्टेंटली, एंड फ्रॉम 6,000 टू 7,000, 8,000, 9,000, मतलब विद इन आई थिंक 10 days, I went from 6,000 to 9,000, very fast, okay? And 10,000 तो एक दिन में हो गया 9,000 के बाद. So, and it's 30 September, so I've been growing. But I don't know कि ये pace चलता रहेगा. I was lucky enough. तो लोग notice कर रहे कि मेरे reels चले हैं, and I have grown so much within a month. But आपको ये ध्यान रखना होगा कि I am able to bring that output in 15 seconds, now in 30 seconds.
बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ पास्ट फोर ईयर्स है ना. तो जब भी आप किसी क्रिएटर का काम देखते हो सो डोंट जस्ट सी द ब्राइटर साइड यू नो विच इज वेरी हाईलाइटेड शाइनिंग एंड ग्लैमरस. उसके पीछे का मेहनत के चलते ये पॉसिबल हुआ ना. अगर मुझे एडिटिंग 3 साल से नहीं आती लाइटरूम की, सो आई वॉज नॉट एट ऑल इन अ स्टेट टू मेक अ ट्यूटोरियल इन 15 सेकेंड. इफ आई वॉज नॉट गुड एट कम्युनिकेटिंग, इफ आई वॉज अ वेरी शाय पर्सन, आई वुड नॉट बीन एबल टू यू नो डू द वॉइस ओवर वेरी कॉन्फिडेंटली और कम्फर्टेबली. सो दीज आर द थिंग दैट यू शुड शेप. सो इसलिए मैं बोलता हूँ कंटेंट पे फोकस करो, खुद के पर्सनैलिटी पे फोकस करो, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाओ, कनेक्ट विद गुड अमाउंट ऑफ पीपल, बी अराउंड विद पीपल हु शेयर गुड वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स. हमें नेगेटिविटी को हटाना है जिंदगी से बॉस, क्योंकि क्या है ना, आप जैसे मैं कोट्स डेली शेयर करता हूँ, दिस हैज बीन कंसिस्टेंट थिंग फ्रॉम 4 months. I think it's my 5th month that I'm sharing positive quotes daily on my story. And I have very good amount of response from the existing audience that बहुत बार बोलते कि आपने मेरा दिन अच्छा कर दिया ये लिख के and all. So that's the thing I'm here for, you know, to bring some positivity out in the nature, to guide someone in any way possible. हमें हर इंसान कुछ ना कुछ सिखा सकता है and that is very true line. So ये चीज़ें चल रही है, मैं कर रहा हूँ और करते रहूँ. आई डोंट नो दिस फॉलोअर बेस विल बी ग्रोइंग, बट द एग्जिस्टिंग ऑडियंस जो मुझे देख रहे हैं, आई एम रियली ग्लैड दैट यू आर वॉचिंग द वीडियो. एंड आई वुड रियली लव दैट इफ यू गाइज यू नो फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ. आपकी वीकनेस क्या है उसको काउंट करते रहोगे तो वो बढ़ेगा. और जो आपकी स्ट्रेंथ है, भले आपके 2 स्ट्रेंथ है, आप काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5 हमारे वीकनेस हैं. सो इफ यू यू नो कीप काउंटिंग योर वीकनेस, यू आर नॉट बिल्डिंग योर स्ट्रेंथ. आई मीन ऑलवेज focus on the brighter side, be a learner, and always there's a lot big world out there and there's a lot to achieve and learn and you know explore and see. It is very wide life guys, and don't limit yourself because of followers or something. Never let social media manipulate your mind, because you know it's fake. Most of the things are fake. The influencer, the photographer, many are there, you know. I don't want to be you know rude or something, but there are many people who are running a very good lifestyle in spite of having fake followers on their profile. Still brands are collaborating with them, they are getting good money. And if you are thinking that how would I start, people in my town have already you know this amount of followers, brand is going to them, mere paas kaun aayega. So don't let these thoughts block you. You know cheeze hongi, just believe in yourself, cheeze hongi. I'm telling you this, I will tell you after 10 years also that you know things, good things are gonna happen. Believe in me, it's gonna happen. Just give your best, you know, believe in yourself, and always respect each other. Respect is something very essential part of your life, you know. You should always be respectful to each and everyone. Dost ke saath hi mazak masti hoti hai, but respect unke kaam ke liye bahut zaruri hai. And always respect the value of your work, kyunki hum apne kaam ko bahut baar appreciate hi nahi karte. हम हमेशा दूसरों का काम देखते हैं कि यार ये क्या बंदा काम कर रहा है, इसकी रीच आ रही है, इसके लाइक्स आ रहे हैं. एंड दैट मोमेंट वी आर नॉट रिस्पेक्टिंग आवर वर्क जस्ट बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ लाइक. एक इंस्टाग्राम ऐप हमें नहीं बता सकता कि हमारा फोटो का पोटेंशियल क्या है. यू नो मे बी एल्गोरिथम उस टाइम चल रहा था, किसी की रीच बढ़ गई, तो इसका ये मतलब नहीं है कि यू वॉन्ट रिस्पेक्ट योर कंटेंट. आई हैव सीन लॉट ऑफ डाइवर्स थिंग रिगार्डिंग दैट, यू नो पीपल गेट, आई मीन आई डोंट नो वाई, बट दे जज देयर वर्क because that they are getting 200 likes, 300 likes, and some are getting 10,000 or whatever. So please always respect, have you know respect for each and everything in your life. That is very essential. And always value your work. हमारा काम ही सब कुछ है. अगर आप आज अच्छा काम कर रहे हो तो एक साल बाद आपको उससे और अच्छा काम करना है. हमें इम्प्रूव करना, वी आर ह्यूमन बींग, हमें धीरे धीरे बेटर होते जाना है. ये हमारा एम होना चाहिए, गोल होना चाहिए, you know. And that's what I am aiming here. क्योंकि फॉलोअर्स आज बढ़ रहे हैं, कल नहीं बढ़ेंगे, मतलब इनका कोई फिक्स या कॉन्स्टेंट चीज नहीं होता है. बट इफ यू आर शेपिंग योर स्किल, यू आर डेफिनेटली गोना डू बेटर इन फ्यूचर. दैट्स देयर, ये चांसेस हैं. और मैं रिकमेंड करूंगा कि इंस्टाग्राम के अलावा भी प्लेटफॉर्म है, 500px है, शटरस्टॉक है, आप वहाँ पे भी अपने फोटोज डालो, वहाँ से आप पैसे भी कमा सकते हो, वर्क भी मिल सकता है आपको. बिहेंस से अगर आप वीडियो क्रिएट करते हो तो वहाँ पे डालो, यू नो ग्रो योर ऑडियंस बेस इफ यू आर इनटू दिस फील्ड, एंड दैट्स रियली गोना हेल्प यू. सेकेंडली इंस्टाग्राम पे आप बस एग्जिस्टिंग ऑडियंस को मतलब कंसिडर करें कि वो क्या चाहते हैं देखना. मतलब तुम्हारा अपना काम है, प्रोफाइल है, कुछ जानना है डालो, कोई दिक्कत नहीं है. बट स्टिल नो योर ऑडियंस, कम लाइव,
यू नो दीज आर द फ्यू थिंग विच विल हेल्प यू कनेक्ट टू योर ऑडियंस, यू नो रिप्लाई टू योर डीएम्स, एंड जो भी मैसेजेस आते हैं उनसे बात करो और जानने की कोशिश करो कि ऑडियंस कैसा है, और यू नो बिल्ड अ बॉन्ड, बिकॉज देयर इज अ सोशल बॉन्ड आई थिंक विच वी हैव, दैट्स व्हाई यू आर वॉचिंग माई वीडियो. सो दैट बॉन्ड इज इम्पॉर्टेंट टू यू नो बी बिल्ड एंड कैरीड वेरी रियली नाइसली. And family also plays a major role in whole of your career, because you know agar bahut log ko family ka pressure hota hai, you know tumhe lagta hai agar ki tumhare ghar mein bahut problem hai, and that's you know what stopping you, but I think yeah you can consider that reason, but there are you know tons of people who have gone through that and did really well in the future. Like Casey Neistat had a baby when he was 16, he was almost like a baby and he had a baby. एंड उसके पास पैसे भी नहीं थे उसको खिलाने के लिए या रखने के लिए. यूज टू गो टू यू नो गवर्नमेंट फंड टू गेट पैड्स एंड मिल्क विच गवर्नमेंट प्रोवाइड फॉर फ्री. ऐसे जिंदगी जी के आज ही इज द मोस्ट सक्सेसफुल यूट्यूबर इन ब्लॉगिंग, एंड दिस इज ऑल यू नो विच इंस्पायर यू. तो ऐसे पर्सनैलिटीज को फॉलो करो. इट्स नॉट अबाउट यू नो फॉलोइंग जस्ट अ गुड फोटोग्राफर ऑन इंस्टाग्राम, नो यू आर फॉलोइंग अ पर्सनैलिटी. मैं पहले बोल चुका हूँ ये बात. सो ऑलवेज सीक सम गुडनेस आउट ऑफ इट. ऐसे नहीं कि नंबर ऑफ फॉलोइंग तुम 2000 रख लो और तुम किसी को देखो भी नहीं ढंग से. यू आर नॉट लुकिंग अप टू, यू आर नॉट लर्निंग समवन समथिंग फ्रॉम समवन. सो प्लीज फॉलो क्वालिटी पीपल यू नो हु इंस्पायर यू, हु मेक योर डे बेटर इन सम वे. देयर कंटेंट ऑल्सो मोटिवेट्स यू. सो ऐसे चीज़ों को ध्यान रखो, है ना. रश मत करो टाइम आएगा. और मुझे भी नहीं पता ये फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं फिर नहीं बढ़ेंगे, बट मुझे इतना पता है कि मैं जो कर रहा हूँ मैं करते आऊँगा. मैं फिल्मिंग का फोटोग्राफर, आई एम कंटिन्यूसली गोना वर्क ऑन इट, आई एम कंटिन्यूसली गोना इम्प्रूव दैट थिंग. इट्स नॉट दैट यू नो पुटिंग अप रील्स एंड एमिंग फॉर फॉलोअर इज द गोल ऑफ माई डे. आई एम नॉट लुकिंग फॉर दैट, यू नो. सो अगर इन चीज़ों से फोकस हटा के तुम अपने वर्क पे फोकस करोगे ना, कि मुझे कैसे इसको इम्प्रूव करना है, कैसे इसको आगे ले जाना है, वॉट द थिंग आई एम गोना शूट टुडे. सो इफ योर दैट फोकस, अगर तुम्हें मतलब दिन में अगर तुम्हारा फोकस है कि हम 100 कमेंट करेंगे तो है ना शायद इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट 1000 बढ़ जाए, जो भी है. अगर ऐसे थॉट्स चलते हैं तो प्लीज निकाल दीजिए. आप ऐसा करो कि आज क्या क्रिएट करो, आज कौन सा एक फोटो लो, आज क्या आइडिया है, यू नो, एंड वर्क ऑन दैट. एंड समटाइम इफ यू आर नॉट गेटिंग क्रिएटिव ब्लॉक होता है सबका, हमें भी था, मेरा भी था, सबको होता है. तो इफ यू आर नॉट गेटिंग टू दैट, ठीक है ब्रेक है ना, चिल करो, नेटफ्लिक्स पे देखो, मूवी देखो, कुछ लिखो, कुछ बुक्स पढ़ो. तो देयर आर एम्बल ऑफ थिंग्स हैपनिंग अराउंड, ऑब्जर्व देम, एंड इट्स नॉट यू नो नेसेसरी टू शूट ऑल द टाइम. इट्स ओके टू टेक अ ब्रेक फॉर समथिंग लाइक दैट इन योर लाइफ, वॉट एवर योर आर्ट फॉर्म इज. सो प्लीज डोंट रन फॉर पोस्ट लाइक कमेंट एंड शेयर एंड वॉट एवर. तुम अपने एग्जिस्टिंग ऑडियंस को बोल सकते हो कि इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल लाइक आई से देन ओनली शेयर एंड शेयर. इट्स नॉट मैंडेटरी और आस्क फॉर, एंड समटाइम यू शुड हैव सम क्लोज पीपल हु आर इनटू द सेम कम्युनिटी, सेम क्रिएटिंग जोन, एंड दे वुड गाइड यू एंड हेल्प यू एंड सपोर्ट यू. सो दैट इज देयर, आई मीन दैट्स यूनिवर्सली गोइंग ऑन, इट्स देयर. सो एनीवे या आई वुड जस्ट एंड दिस लाइव सेशन टेलिंग दैट दैट इन एनी वे इफ यू फाइंड इट मोटिवेटिंग टू शेयर विद योर यू नो क्रिएटिव फ्रेंड्स एंड आई डोंट नो जिससे भी जरूरत है तुम्हें लगता है. इट्स नॉट दैट मुझे व्यूज चाहिए, आई डोंट केयर, बट इफ जनरली आई मे इफ समवन गेट इंस्पायर समथिंग लाइक दैट इट वुड बी रियली मीन अ लॉट टू मी. एंड डेफिनेटली लेट मी नो इफ आई शुड डू दिस मोर. एंड बाय लाइक एंडिंग दिस आई वुड से दैट व्हाई एंडिंग दिस, सॉरी ग्रामर लव योर फैमिली, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल इन योर लाइफ. There are very close people who really, really wants you to succeed, and family remains top on that. And please express your love and gratitude to the close ones who are always, you know, supporting and holding your back. They are the backbone of your life. So never, you know, fail to express the gratitude that you must have shown. And love yourself, because you know that's the only person who's gonna take you higher. I mean, yeah, there's nothing. 2% loving yourself is. Within yourself, and I don't. I'm saying crazy because I'm recording this part in the next morning because there was a mistake and it not got completed. The complete recording. I mean, iPhone storage ka problem. Anyway, coming to the point, work on yourself. Things are gonna happen. I'm telling you again, and just keep hustling. And good times will come, but definitely. Just focus on your work, not on the engagement or something like that. If you're getting worried about engagement, don't check your Instagram. Simple as that. You know, just work on your content,
whatever you're creating should be, you know, appreciable by few followers or your existing friends who are really good in the industry. अगर वो तुम्हें बता रहे कि तुम क्या progress कर रहे हो, क्या गलती कर रहे हो, always accept criticism. Things are gonna happen. Not everyone is gonna support you. मेरे YouTube video पे हर video पे 3 या 6 like लोग dislike करते हैं. मैं celebrity नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ. वो कोई personal grudge है या फिर लोग को jealousy है. तो things are gonna happen. These things are also gonna happen around today. Don't let कि ये तुम्हारे माइंड पे अफेक्ट करें, यू नो, यू फील डाउन और समथिंग लाइक दैट. ऑलवेज फोकस ऑन द ब्राइटर साइड. वी आर फोटोग्राफर, वी नो वेयर द फोकस पॉइंट इज. सपोर्ट द फोकस पॉइंट ऑन द ब्राइटर साइड, पॉजिटिव साइड अराउंड अस, लुक अपॉन दैट. आई नो हर ह्यूमन बीइंग हमेशा पॉजिटिव और खुश और हैप्पी कंट्रोल्ड माइंड पे नहीं रहता, बट वी कैन एटलीस्ट ट्राई टू डू दैट. ओके, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे एंड लव यू गाइस. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय.